अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए हम आगे के सेंटेंसेस सीखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको समझा दिया था लास्ट वीडियो में, अभी हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाने। अब पहले रूल की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। इस सेंटेंस के लिए रूल क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल क्या रहेगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा इज एम आर आ जाएगा, यानी जो कंटिन्यूअस में था इज एम आर, इज एम आर। बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि जितने भी अभी हम आगे भी करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होना है, यानी इन दो वर्ड्स को ही आगे पीछे करना होता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हमने क्या किया, इज एम आर जो इसके बाद आता था उसे हमने पहले कर दिया, ठीक है। और फिर क्या करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल रहेगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या वो सो रहा है, क्या वह सो रहा है, रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो क्या वह सो रहा है, ये याद रखिए इस क्या के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ इनका आगे पीछे होना ही इसके लिए पूरा है, यानी काफी है। सिर्फ इन वर्ड्स का आगे पीछे होना ही इसके लिए काफी है, इस वर्ड के लिए हम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर, क्लियर सुन लीजिए, इस वर्ड के लिए हम क्या यानी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, इस क्या के लिए, इस क्या के लिए हम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हमने इनका आगे पीछे जो करना है ये इसके लिए काफी है, ठीक है। तो अब हम रूल के ही अकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो हमने पहचान लिया है ये कंटीन्यूअस सेंटेंस है और आगे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव कंटीन्यूअस सेंटेंस है। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं इस, तो लगा दिया हमने इस, ठीक है, इस, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा ही, इस ही, इस ही, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना, सोना यानी स्लीप, और स्लीप के साथ आईएनजी स्लीपिंग, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस हो गया तैयार, इज ही स्लीपिंग, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसी से, क्या वो सो रहा है, इज ही स्लीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर, जैसे कि मान लीजिए हम क्या हम खेले खेल रहे हैं, नहीं, ये सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि अनबिलीवेबल होगा। देखते हैं कोई और सेंटेंस, हम क्या वो आ रहा है, क्या वो आ रहा है, या क्या वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, रहे हैं। अब हमने इनको प्लूरल कर दिया, यानी ज्यादा कर दिए, एक से ज्यादा हो गए। अब ये वे जो है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में बदल चुका है, क्योंकि हमने हैं कर दिया और रहे कर दिया, इसकी वजह से ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। अगर मैं कहता क्या वे आ रहा है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता, और मैंने कर दिया क्या वे आ रहे हैं, तो अब ये सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, यानी एक से ज्यादा। तो अब हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो आर, आर के
बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे आर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम, सी ओ एम आई एन जी बाद में लगेगा, कमिंग, आर दे कमिंग क्वेश्चन मार्क, इससे आगे नहीं है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे, अब हम इनके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए मिटा देता हूं मैं इसको। डबल इंट्रोगेटिव, अब डबल इंट्रोगेटिव के पहले हमें कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि व्हाट, व्हाट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट का मीनिंग क्या, और व्हाई का मीनिंग क्यों, और हाउ का मीनिंग कैसे, व्हेन का मीनिंग कब। इस तरीके से हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको एक पेज पर लिख के भेज दूंगा, ठीक है। कुछ अच्छे तकरीबन 9-10 वर्ड्स हैं जो हम मैं आपको लिखकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से व्हेन का मीनिंग होता है कब, और फिर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं आपको लिखकर सेंड कर दूंगा, ठीक। अभी हम क्या करने वाले हैं, उन्हें याद करना है, उन्हें याद करने के बाद ही आप सेंटेंसेस आराम से बना पाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बहुत आसान है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड जो हमने अभी लिखे थे, डब्ल्यू एच वर्ड्स वो सबसे पहले आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, जिसमें सारे वर्ड्स में हमारा डब्ल्यू एच होता है, डब्ल्यू भी होता है और एच भी होता है, तो इसलिए हम उन्हें डब्ल्यू एच वर्ड बोल देते हैं, कुछ डब्ल्यू एच फैमिली बोल देते हैं, इस तरीके से इनका नाम, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले, और फिर हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो पूरा का पूरा एज इट इज आ जाता है, फिर भी हम उसी रूल पर लिख देते हैं, इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट अब तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है, और प्लस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, यह हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इन सेंटेंस का नेगेटिव बनाना चाहें तो हमारा नॉट लगेगा यहाँ, ये याद रखिएगा। पहले मैंने बताया था आपको तीसवें नंबर पे, अगर हम देखें तो पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड, तीसरे वर्ड के बाद हमारा नॉट आएगा अगर नेगेटिव हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे वो क्या खेल रहा है, वो कहाँ खेल रहा है, वह कहाँ खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, वह कहाँ खेल रहा है, कहाँ के लिए हमें वो जो 10-12 वर्ड्स में लिख के आपको सेंड करूंगा उसमें आप देखिएगा कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड का वेयर, जो सवाल कर रहा होता है वो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है। सवाल किसकी वजह से हो रहा है, इस वर्ड की वजह से सवाल हो रहा है, यानी अगर हम इस वर्ड को हटा दें तो क्या सेंटेंस रह जाएगा, वे खेल रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा सिर्फ, सिंपल। अगर हमने कहां लगा दिया तो ये सवाल बन गया हमारा, तो वे कहां खेल रहा है, ये कहां क्या है, हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है जिसकी वजह से ये सवाल बन गया, ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड के मीनिंग मैं आपको लिखकर बता दूंगा, ठीक है।
तो इस कहां का मीनिंग होता है वेयर। और अब इसके बाद हमारा क्या है, इज एम आर। इज एम आर की कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। और सब्जेक्ट क्या है, वेयर यानी ही, और ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज। वेयर इज, अब इसके बाद ही, वेयर इज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी के प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग। वेयर इज ही प्लेइंग, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए वेयर इज ही प्लेइंग। ठीक है, अगर हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, इसी को अगर नेगेटिव करना चाहें, वह कहां नहीं खेल रहा है, नहीं और लगा दें इसमें, वह कहां नहीं खेल रहा है, नहीं यहां पर ऐड हो जाएगा। और इस नहीं के लिए हमारा नॉट कहां पर ऐड होगा, फोर्थ नंबर पर, वेयर इज ही नॉट, नॉट यहां ऐड होगा। मैंने बताया था थर्ड पर, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में फोर्थ पर, क्लियर हुई बात। तो अगर इसमें नहीं आता है तो नॉट हमारा फोर्थ नंबर पर आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, जो पेज पर लिख कर दे दूंगा, और आपको वो करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, क्लियर हुई बात। चलिए, और जिस जिस के समझ में आता रहे वो जरूर होमवर्क जरूर करें, अगर नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। अगर होमवर्क नहीं आएगा तो मैं एक ही चीज़ बार बार पढ़ाऊँगा जब तक आपके समझ में नहीं आएगी, और जब सबका होमवर्क आना शुरू हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। समझ में आ गई बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।